अमरावती जिले के अचलपुर शहर के दुला गेट पर भगवा झंडा फहराने के मुद्दे पर हिंदू और मुसलमान के दो गुट आपस में भिड़ गए। यह घटना रविवार 17 अप्रैल 2022 के रात करीब 8:30 बजे की है। प्रकार बहुत ही गंभीर है। महाराष्ट्र के सामाजिक सामंजस्य पर इसका दूरगामी प्रभाव करने वाली यह घटना है। इस घटना की सच्चाई का पता लगाना जरूरी था, इसीलिए नागपुर की मैत्री परिवार संस्था की ओर से फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। वरिष्ठ पत्रकार उदय निर्गुड़कर की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति बनाई गई थी। इस समिति द्वारा आज अपनी रिपोर्ट की जानकारी पत्र परिषद के दौरान दी गई है। समिति में पूर्व न्यायाधीश मीरा खड़क्कर, पूर्व सहायक पुलिस आयुक्त अनिल बोबड़े, वरिष्ठ पत्रकार गजानन जानभोर और पत्रकार प्रवीण मुधोलकर भी शामिल थे। 2 मई 2022 से 4 मई 2022 तक 2 दिनों के लिए समिति ने अमरावती जिले के अचलपुर परतवाड़ा में दंगा प्रभावित क्षेत्र और अमरावती जिले के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय का दौरा किया। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नागरिकों में भारी आक्रोश दिखाई दिया। पत्रकारों ने गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस का पक्ष जानना और उसे इस रिपोर्ट में दर्ज करना भी जरूरी था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अनुरोध के बावजूद भी समिति को सूचित करने से इनकार कर दिया। अमरावती जिले के पुलिस आयुक्त आरती सिंह ने मामले में समिति से मिलने से असमर्थता जताई। ऐसी जानकारी भी आयोजित पत्र परिषद के दौरान वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उदय निर्गुड़कर द्वारा दी गई। अडचणी अशा आल्या की स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य करायचं नाकारलं की मला अचलपूर इथे पहिल्यांदा आणि नंतर अमरावती या दोन्ही ठिकाणून अत्यंत नम्रपणे आम्हाला पोलिसांनी बाहेरच काढलं। जेव्हा माझ्या समितीमध्ये एक निवृत्त पोलीस अधिकारी आणि निवृत्त न्यायमूर्ती होत्या, तरी देखील ही परिस्थिती आहे। स्थानिक पत्रकारांशी बोलल्यानंतर ते अत्यंत दहशतीखाली आहेत आणि आमचं नाव जाहीर करू नका असं वारंवार सांगत होते। गावातली जी रोजगार देणारी संस्था आहे फिनले मिल, ती बंद पडल्यानंतर त्या ठिकाणी प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्या का वाढते आहे, कशी वाढते आहे, धार्मिक स्थळं मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत, ती धार्मिक स्थळं का वाढत आहेत, तिथे येऊन धर्म समुपदेशनाच्या नावाखाली काय शिकवलं जात आहे, ती जी येणारी मंडळी आहेत त्यांचं काय स्पेसिफिकेशन आहे, त्यांचे काय डिटेल्स आहेत, ट्रॅव्हल डॉक्युमेंट कशावरही नाही, गावात कोणीही येतं कुठेही घर घेतं, त्या घर भाड्याची कुठेही नोंद होत नाही, एक व्यवसायाच्या व्यवसाय कॅप्चर केले जातात, अनधिकृत कामं एवढी प्रचंड वाढलेली, कुठेही ट्रॅफिक सिग्नल नाही, हे जे सगळं चाललेलं आहे ही अनागोंदी आणि एका विशिष्ट समुदायाचं प्रशासनाने केलेलं लांगूल चलन, त्याच्यामुळे हा अविश्वास वाढत चालला। अचलपूरमधून स्थलांतर होऊन अनेक हिंदू व्यापारी आम्हाला सांगतात की आम्ही परतवाड्याला किंवा दुसऱ्या गावात राहायला गेलो, हे कशाचं लक्षण आहे, ही कुठली फाईल तयार करतोय आम्ही, ही आम्हाला काश्मीरची पुनरावृत्ती करायची आहे का, मग स्थानिक प्रशासनाची जबाबदारी नाही का, एकही चांगली धड असलेलं क्रीडांगण नाही, एक चांगली सुसज्ज व्यायामशाळा वाचनालय नाहीत, खुले रंगमंच नाहीत जिथे आपल्या कला सादर केल्या जातील, या सगळ्यामुळे केवळ अनागोंदी माजवणारा समाज आम्ही निर्माण करतोय की काय, आणि हे हेतुपुरस्सररित्या केलं जातंय की काय, एका विशिष्ट समुदाय शरण केलं जातंय की काय, अशी शंका समितीला आली। त्यामुळे हे दूर होण्याकरता काही महत्त्वाच्या शिफारसी आम्ही या अहवालात दिलेल्या आहेत, त्यामुळे तो अहवाल शासनानं कळकळीची विनंती आहे की अत्यंत गंभीरपणे घ्यावा आणि पोलीस प्रशासनाने कृपया अशा प्रकारच्या सत्यशोधन समितीला, कायदा आणि सुव्यवस्थेचं राज्य असं आपण कायद्यावर नुसतं आपण म्हणतोय, परंतु वस्तुस्थिती आत्ता अचलपूर आणि परतवाड्याची तशी नाही आहे, एका ज्वालामुखीच्या तोंडावर आपण बसलेलो आहोत, हिमनगाचं टोक फक्त तुम्हाला दिसतंय, अशा प्रकारचे उद्गार स्थानिक व्यापाऱ्यांनी आणि पत्रकारांनी काढले, हे कशाचं निदर्शक आहे, हे एका समृद्ध अशा प्रदेशाचं निदर्शक आहे का, तर ते अजिबात नाही, आणि याच्यावर पोलीस प्रशासन कुठलीही गोष्ट बोलायला तयार नाही, ही भीषण बाब आहे। एक मोडस ऑपरेंडी आम्हाला दिसते, अमरावतीच्या दंगलीचा पुनरावृत्तीचा पुढचा भाग मध्यंतरानंतरचा अचलपूरमध्ये दिसतो, मुंबईच्या मालवणीमध्ये जेव्हा अशा प्रकारच्या गोष्टी घडल्या पलायनाच्या, त्या फॅक्ट फाइंडिंग कमिटीवर पण मी होतो, मला त्याच्यात अमरावतीमध्ये अचलपूरमध्ये एक स्पेसिफिक पॅटर्न दिसतोय, त्याची नोंद शासनानं घेतली पाहिजे, नाहीतर अचलपूरसारखी गोष्ट महाराष्ट्रातल्या अनेक गावात होईल अशी भीती आज मी या निमित्ताने व्यक्त करतोय। 3 दिवसीय यात्रा के दौरान सत्यशोधन समिति ने
100 से अधिक लोगों से मुलाकात की और उनके विचार जाने। समिति ने सभी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों को राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, व्यापारियों, डॉक्टर, वकील, शिक्षक और पत्रकारों के साथ भी चर्चा की, जिसमें अचलपुर और परतवाड़ा में बड़ी संख्या में अवैध व्यापार है। इसमें मुस्लिम समुदाय का वर्चस्व है। अधिकांश सड़कें अतिक्रमण के कारण संकरी है। शहर के CCTV भी बंद है। अमली पदार्थों का खुलेआम वितरण, विक्रय एवं उपभोग किया जा रहा है। साथ ही नए बैनर के तहत शहर में प्रतिबंधित आतंकी संगठन सक्रिय है। व्यापारियों और स्थानीय पत्रकारों ने दावा किया कि जहां व्यवसाय नहीं बढ़ रहा है, वहां अप्राकृतिक तरीके से बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी शहर में बढ़ रही है। ऐसी कई बातें सत्यशोधन समिति के सामने आई है, जिसकी जानकारी मैत्री परिवार द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी गई है। अब देखना यह होगा कि सत्यशोधन समिति द्वारा किए गए एनालिसिस पर राज्य सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।